ये क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट 2 का। ए शॉपकीपर परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹800 एंड स्पेंट ₹20 ऑन इट्स बॉक्स। तो एक शॉपकीपर ने एक पेयर ऑफ शूज खरीदा ₹800 में और ₹20 स्पेंड किया शू के बॉक्स के ऊपर, यानी ₹20 हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस हुआ और ₹800 हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80, तो ₹80 प्रॉफिट में उसने सेल किया। फाइंड एक्चुअल सीपी ऑफ द शूज। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, यहाँ 2-3 बिट्स में क्वेश्चन है, तो फर्स्ट बिट का क्वेश्चन है ये सीपी ऑफ द शूज इक्वल टू ₹800 ओवर हेड एक्सपेंसेस इक्वल टू ₹20। तो एक्चुअल सीपी ऑफ द शूज इक्वल टू ₹800 प्लस ₹20 इक्वल टू ₹820। तो एक्चुअल सीपी ऑफ द शूज ₹820 है। नेक्स्ट है हमें एसपी ऑफ द शूज फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल सीपी ऑफ द शूज इक्वल टू ₹820, प्रॉफिट इक्वल टू ₹80। तो सीपी प्लस प्रॉफिट हमारा एसपी ऑफ द शूज है। सेलिंग प्राइस ऑफ द शूज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो एसपी ऑफ द शूज हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारा ₹820 है और प्रॉफिट हमारा ₹80 है। तो ये हमारा ₹900 सेलिंग प्राइस ऑफ द शूज है। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखिए एक्चुअल सीपी हमारा 820 था और सेलिंग प्राइस ₹900 है। तो 900 जो है ग्रेटर देन 820, यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस या एक्चुअल सीपी। तो ये प्रॉफिट हुआ हमारा। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट ऑलरेडी ऐसे भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन में भी दिया गया है कि प्रॉफिट हमारा ₹80 है। तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी प्रॉफिट दिया गया है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा प्रॉफिट बाय सीपी फॉर्मूला दिया गया है बुक में। लेकिन देखिए हम लोग सीपी को यहाँ पे एक्चुअल सीपी लिए हैं क्योंकि हमारे कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस थे। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा प्रॉफिट बाय एक्चुअल सीपी इंटू 100 है। तो प्रॉफिट हमारा 80 है, एक्चुअल सीपी हमारा 820 है इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया तो 84, नहीं ये 2 से कैंसिल होगा, 240 जा 80, 241 जा 82। तो ये हमारा 400/41% होगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा 400/41% है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जहाँ पर ओवरहेड एक्सपेंसेस है, आप गलती से इसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब पूछा जाता है आप सीपी मत ले लीजिए और 800 से मत कीजिए। आपको करना है एक्चुअल सीपी लेके डेनोमिनेटर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 मैंगोज विल परचेस्ड एट ₹125/100। तो 100 मैंगोज का प्राइस है ₹125। तो 400 मैंगोज का प्राइस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹100, फाइंड द एसपी ऑफ 1 डजन मैंगोज। तो 100 मैंगोज कॉस्ट ₹125, 1 मैंगो कॉस्ट ₹125/100, 400 मैंगोज कॉस्ट ₹125/100 इंटू, नहीं तो यहाँ पे रुपीज छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बिंग, 125/100 इंटू 400। नहीं तो यहाँ पे रुपीज रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रुपीज रख लीजिए। तो 0 0 कैंसिल हो गया,
तो ये हमारा रुपीज 125 इंटू फोर, 4 5 जा 20, 0 रख के 2, 4 हो जाए 1 प्लस 2 10, 0 रख के 1, 4 1 4 प्लस 1 5, रुपीज 500। तो 400 मैंगोस का कॉस्ट है रुपीज 500। तो सीपी ऑफ 400 मैंगोस इक्वल टू रुपीज 500। लॉस हमारा है रुपीज 100। तो एसपी ऑफ 400 मैंगोस इक्वल टू, तो लॉस है मतलब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो लॉस ऑफ 400 मैंगोज इक्वल टू सीपी माइनस सॉरी एसपी ऑफ 400 मैंगोज इक्वल टू, तो एसपी हमारा सीपी माइनस लॉस है। तो ये देखिए लॉस जो होता है हमारा, अगर आपको याद नहीं आता ये फॉर्मूला तो ऐसे देखिए, लॉस हमारा सीपी माइनस एसपी होता है, इम्प्लाइज एसपी इक्वल टू, तो एसपी इस साइड में आ गया तो ये माइनस एसपी प्लस एसपी हो जाएगा, और ये सीपी लॉस यहाँ पर आएगा तो माइनस लॉस हो जाएगा, तो सीपी माइनस लॉस, तो सीपी हमारा रुपीज 500 माइनस लॉस रुपीज 100 इक्वल टू रुपीज 400 है। तो 400 मैंगोस का एसपी है रुपीज 400। तो हमें 1 डजन मैंगोस का फाइंड आउट करना है एसपी, यहाँ पे करेंगे एसपी ऑफ 400 मैंगोस इक्वल टू रुपीज 400। एसपी ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू रुपीज 400 बाय 400। एसपी ऑफ डजन मतलब 12 मैंगोस इक्वल टू रुपीज 400 बाय 400 इंटू 12, तो ये कैंसिल हो गया तो रुपीज 12। देयरफॉर एसपी ऑफ 1 डजन मैंगोस इज रुपीज 12। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, 1 डजन मैंगोस इक्वल टू 12 मैंगोस। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो डजन 12 है वो सबको समझ आता है, मतलब चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।